हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका ज्ञान गुरु एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है परागकण के बारे में, या पॉलिनेशन की एक क्लास होने वाली है। तो आइए देर न करते हुए अपनी क्लास पर चलते हैं और शुरू करते हैं। आइए, आज की हमारी जो हेडिंग है वो है परागण। परागण यानी उसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन, ठीक है। परागकणों के परागकोष से, बात को समझिए, पराग कण जो होते हैं, ठीक है, पराग कण पराग कोष से वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं और पहुंचने की इसी क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पराग कण पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुंच जब जाते हैं या जब पहुंच जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि ये परागण हो गया है, या उस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो परागण होता है यह तीन प्रकार से होता है। एक होता है स्वपरागण, पहला कौन सा होता है, आइए देखते हैं परागण के प्रकार। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि स्वपरागण, ठीक है, और सजातीय पुष्प का परागण, और एक होता है परपरागण, ठीक है। तो ये तीन टाइप के किसी भी उसमें परागण हो सकते या होते हैं, या उनकी पॉसिबिलिटी होती है। स्वपरागण को हम लोग कहते हैं कि ये ऑटोगेमी है, यानी स्वतः ही पॉलिनेशन की प्रक्रिया उस पुष्प में हो रही है। सजातीय पुष्प परागण, इसको हम लोग बोलते हैं जिटेनोगेमी। क्या बोलते हैं बच्चों, जिटेनोगेमी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही जो आपका प्लांट है दूसरी ब्रांच का, ठीक है, दूसरी ब्रांच से पराग कण किसी दूसरी ब्रांच के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं ये कंडीशन हमारी जिटेनोगेमी है। और यदि एक ही पुष्प है और उसी के एंथर से, उसी के पराग कोष से पराग कण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। और क्रॉस या पर परागण, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी के नाम से जानते हैं, इसकी कंडीशन ये होती है कि जो आपका पराग कण होते हैं वो किसी दूसरे पुष्प से आते हैं, और इस प्रकार के परागण को हम कहते हैं कि ये पर परागण है या क्रॉस पॉलिनेशन है। आइए बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं स्वपरागण, जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, या इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी, क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी हम इसको बोलते हैं। ध्यान दीजिए कंटेंट पे, मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब एक पुष्प के परागकण, ध्यान दीजिए, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक है। क्या होगा, जब एक ही पुष्प के परागकण, ठीक, उसी पुष्प के, इस बात पर ध्यान दीजिए, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हम ये मान लेते हैं, ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक पुष्प है, ये एंथर है, ठीक है, और ये हमारा वर्तिकाग्र है। यदि पराग कण यहां से यहीं पहुंचता है, ठीक है, उसी पुष्प से पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो यह कंडीशन हमारी कहलाती है स्व परागण। क्या कहलाएगी, स्व परागण कहलाएगी, या ये कहलाएगी सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी, या ये कहलाएगी ऑटोगैमी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आइए, इसी का एक छोटा भाई है, उस पे हम लोग चलते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सजातीय पुष्पी परागण। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। ये भी हमारा जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक प्रकार है,
इसमें क्या होता है जिसको हम बोलते हैं सजातीय पुष्पी परागण, क्या बोलेंगे सजातीय पुष्पी परागण, या हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं जिटेनोगैमी, क्या बोलेंगे बेटा जिटेनोगैमी, आपकी एनसीईआरटी का ये पॉइंट है और उसमें दिया हुआ है आपकी बुक में। तो देखिए समझिए इस बात को, एक ही पादप के पुष्प, ठीक है, एक ही पादप के पुष्प के परागकण, ठीक है, के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या जाके परागित करते हैं, इस प्रकार के परागण को हम लोग सजातीय पुष्पी परागण या जिटेनोगैमी कहते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक, और एक बार मैं बोल देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक ही पादप के पुष्प, एक ही पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, उसी पादप के दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, स्वपरागण की इस अवस्था को, स्वपरागण की इस अवस्था को सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। आइए मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। जैसे ये आपको एक फ्लावर का प्लांट दिख रहा होगा, ठीक है, या देखिए ये जो पौधा है इसमें दो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो फूल दो दिखाई दे रहे हैं तो बताइए ये दोनों ब्रांच पे अलग अलग फूल लगे हुए हैं। यदि ऊपर वाली ब्रांच से परागकण अपने ही पौधे के दूसरे जो ब्रांच है, दूसरे वाली जो शाखा है उस पर पहुंच जाए, ठीक है, और वहां जाके इस पुष्प को क्या करे परागित करे, या इसका विपरीत भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, या यहां से यहां इस बात पे परागण हो, ठीक है, मतलब लोअर जो आपका फ्लावर है उससे अपर वाले पे क्या होगा कि पॉलिनेशन होगा, या अपर वाले से लोअर वाले पे जाए, यानी इसका जो परागकण है अपने वर्तिकाग्र पर न चिपके, ठीक है, तो इस प्रकार के परागण को हम लोग कहते हैं जिटेनोगैमी या सजातीय पुष्पी परागण। आइए देखते हैं तीसरा, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में और देखते हैं हम लोग पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर इसी को हम कहते हैं एलोगैमी, ठीक है, आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, पर परागण या उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको एलोगैमी। आइए देखते हैं एलोगैमी में होता क्या है। जब परागण, ठीक है, जब परागण समान जाति के दूसरे पादप के मध्य होता है, समान जाति के, ठीक है, जैसे मान लेते हैं गुलाब का फूल है, ठीक है, और बगल में भी एक कोई गुलाब का पौधा है या उससे थोड़ी दूरी पर है, ठीक है, तो क्या हुआ ये दोनों समान जाति के ही पौधे हैं, और यदि प्लांट फर्स्ट पौधा जो प्रथम है उसका परागकण पौधा जो द्वितीय है उस पर जाता है, तो इस प्रकार का जब परागण होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी, ठीक है। तो देखिए जब परागण समान जाति के दूसरे पादप के मध्य होता है तो इस प्रकार का परागण पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते हैं उनको हम लोग अनुमिलीय फ्लावर कहते हैं। जैसे आपने बहुत सुना होगा अपने गांव में या कुछ लोगों अपने जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनसे कहते हुए कि गुलाब के फूल को आपने कभी खिलते हुए नहीं देखा है, ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। आइए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, कि ऐसे फ्लावरिंग फ्लावर बताइए जो कभी ओपन नहीं होते हैं, मतलब नेवर एट ऑल, वो कभी ओपन नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं, आखिर उनमें परागण कैसे होगा, ठीक है। तो आइए ऐसे पुष्पों में परागण की बात करते हैं, इसको कहते हैं अनुमिलीय पुष्प, या इसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कुछ द्विलिंगी पुष्प, ठीक है, याद रखेंगे कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते, कैसे, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते, ठीक है, इसमें क्या होता है ऐसे पुष्प में बंद अवस्था में ही,
ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही पराग कोष भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं, जिससे जो पराग कण होते हैं पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं, ठीक है, और परागकण या परागण की जो क्रिया होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं गुलमेहंदी और डोसेरा, ठीक है, आपके बुक में है ये, ठीक है, जो फिगर बना हुआ है उसमें दिया गया है क्रिस्टोगैमस फ्लावर या अनुमिली पुष्प, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, कि पॉलिनेशन होगा कैसे कैसे, मतलब वह कौन सी विधियां हैं जिससे फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, ठीक है, यानी परागण किन किन विधियों से होता है। तो परागण मुख्यतः तीन प्रकार से या तीन विधियों द्वारा होता है, ठीक है। पहली बात यह है कि परागण मुख्यतः तीन विधियों द्वारा होता है या तीन प्रकार से हो सकता है। पहला होता है वायु द्वारा, यानी विंड द्वारा, वायु द्वारा। यदि परागण वायु के द्वारा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं हम लोग एनिमोफिली, ठीक है। दूसरा, यदि कोई जानवर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कभी कभी देखा होगा, कभी गेहूं के या चावल के खेत में कोई पशु घुस जाए, गाय या भैंस घुस जाए, ठीक है, तो उनके शरीर से बहुत सारे परागकण चिपकते हैं और जब भागते हैं दूसरे खेतों में जाते हैं, तो क्या होगा कि परागकण एक खेत से दूसरे खेत तक पहुंचेगा, ठीक है। यदि इस प्रकार से या जंतुओं द्वारा, कोई चिड़िया है किसी फ्लावर पर बैठी है या मधुमक्खी है, ठीक है, किसी फूल पे मंडराती हुई दूसरे फूल पे जाती है, तो वो जो हमारा परागकण करेगी या परागण करेगी वो हम लोग बोलते हैं कि वो किसके द्वारा हुआ? जंतुओं द्वारा हुआ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जूफिली। और तीसरा होता है जल द्वारा, ठीक है, जल द्वारा। जब जल द्वारा परागकण की विधि को पूरा किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, वायु, जल, जंतु और तीन, मतलब एनिमोफिली, जूफिली और हाइड्रोफिली। आइए हम लोग देखते हैं वायु परागण एनिमोफिली, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, पुष्पों में, ठीक है, पुष्पों में वायु की सहायता से, वायु की सहायता से होने वाले परागण को हम लोग वायु परागण यानी एनिमोफिली कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, मक्का और जो भी हमारी फसलें हैं उनमें जो परागण होता है वह मुख्यतः एनिमोफिली यानी कि वायु द्वारा परागण होता है, ठीक है। आइए देखते हैं जंतुओं द्वारा परागण। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो चुका, आइए देखते हैं जंतु परागण, यानी इसको हम लोग बोलते हैं जूफिली, ठीक है। पुष्पों में जंतुओं से होने वाली, ठीक है, पुष्पों में जंतुओं से होने वाली परागण को जंतु परागण यानी कि जूफिली कहते हैं। और जूफिली में कौन कौन आते हैं? इसमें छोटे कीट भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, चमगादड़ भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, ठीक है, और हमारे जो पशु होते हैं वो भी आते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, सर ने लिखा है पक्षी और चमगादड़, तो भैया जो चमगादड़ होता है वो मैमल होता है यानी कि स्तनधारी होता है, ठीक है। जो आजकल कोरोना की बात चली है कि चमगादड़ से आया, चमगादड़ से आया, चमगादड़ से आया, तो ये जो आपका चमगादड़ है ये हमारा पक्षी नहीं है बल्कि ये हमारा एक स्तनधारी है जो भले ही उड़ता हो लेकिन ये चमगादड़ हमारा पक्षी नहीं है। आइए इसमें थोड़ी सी और बात करें, यदि ये परागण हमारा कीट के द्वारा हो रहा है, कीट पतंगों के द्वारा हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटो, ठीक है, एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटेमोफिली बोलते हैं अधिकांश पुष्पों में, ठीक है। आपने देखा होगा आपके घर पे यदि फ्लावर के पॉट लगे होंगे तो क्या होती हैं कि छोटे छोटे कीट पतंगे आते हैं, वो जो फूल होते हैं इतने सुंदर होते हैं, ठीक है, कि वो अपने तरफ उनको आकर्षित करते हैं। तो यदि परागण हमारा कीट पतंगों द्वारा हो रहा होगा तो हम लोग बोलते हैं उस टाइप के परागण को एंटीमोफिली। अधिकांश पुष्पों में परागण कीटों द्वारा ही होता है, ठीक है।
दूसरी बात करते हैं, पक्षियों द्वारा भी तो परागण होगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि परागण पक्षियों द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है। इस प्रक्रिया में परागण जो होता है पक्षियों के द्वारा होता है। यदि परागण पक्षियों के द्वारा होगा तो आपको कहा जाएगा कि ये हमारा पक्षी परागण हो रहा है या ऑर्निथोफिली हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, परागण की तीसरी विधि देखते हैं। जो तीसरी विधि है वो है हमारी जल परागण, यानी कि हाइड्रोफिली, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोले बच्चों, बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिली। इसमें सिंपल सी बात यह होती है कि पुष्पों में जल की सहायता से, किसमें, पुष्पों में जल की सहायता से, विद हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, क्या होगा कि जल की सहायता से होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वेलिसिनेरिया और हाइड्रा, ठीक है। वेलिसिनेरिया और हाइड्रा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो ग्रासेस होती हैं, जो आपकी घासें होती हैं, घास में मुख्यतः वायु परागण पाया जाता है, यानी कि पॉलिनेशन बाय द विंड, ठीक है। विंड पॉलिनेशन इज द क्वाइट कॉमन, ये मैं आपकी किताब जो है उसको कोट कर रहा हूँ, ठीक है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस, ये पूछा गया था मेडिकल एग्जाम सीबीएसई 2012 में, ठीक है। और देखिए आगे, वाटर पॉलिनेशन, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन किसमें पाया जाएगा, यानी कि जल परागण पाया जाता है आपकी वेलिसिनेरिया और हाइड्रा में, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि इमैस्कुलेशन है, ठीक है, जिसको भी पुंसन बोलते हैं, फिर है थैलीकरण, बैगिंग है, आइए इस पॉइंट को देखते हैं, और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कृत्रिम संकरण को देखते हैं। आइए, कृत्रिम संकरण यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कृत्रिम संकरण हम क्यों करते हैं। तो हम कृत्रिम संकरण इसलिए करते हैं बच्चों कि हमको दो पौधों से सर्वश्रेष्ठ जो लक्षण होते हैं उनको साथ लाने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो नोट करिए, पौधों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को साथ लाने के लिए नई प्रजातियों को उत्पन्न करने, नई प्रजातियों को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला चयनित संकरण कृत्रिम संकरण कहलाता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ गए होगे कि कृत्रिम संकरण क्यों कराते हैं। तो कृत्रिम संकरण हम लोग इसलिए कराते हैं कि विभिन्न यानी दो या दो से अधिक जो भी हमारे पास पौधे होते हैं या जीव या जंतु होते हैं, उनके अच्छे अच्छे जो कैरेक्टर हैं, जो मोस्ट बेनिफिशियल कैरेक्टर हैं, उनको साथ लाने के लिए कृत्रिम संकरण यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है। कृत्रिम संकरण करने के लिए हमें दो प्रक्रम की आवश्यकता होती है। पहला होता है हमारा विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन, और दूसरा होता है थैलीकरण यानी कि बैगिंग। आइए डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन और बैगीकरण क्या है। आइए हम लोग आगे बढ़ते अपनी क्लास में और देखते हैं विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन क्या होता है। तो बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि द्विलिंगी पुष्प में आप पराग कोष को तोड़कर वहां से हटा दीजिए, क्योंकि जो निषेचन है, जो फर्टिलाइजेशन है, वो संदूषित यानी कंटामिनेटेड न हो पाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि द्विलिंगी पुष्प के एंथर को वहां से हटा देते हैं, ठीक है। और यह पूरी प्रक्रिया हमारी इमैस्कुलेशन यानी कि विपुंसन कहलाती है। इसकी डिफिनेशन देखते हैं, विपुंसन या बंध्याकरण से कहा जाता है, ठीक है। बंध्याकरण में पौधों के द्विलिंगी पुष्पों के पराग कोषों को उनकी कलिका अवस्था में ही चिमटे से निकाल दिया जाता है, यानी मैंने आपको अपनी भाषा में बताया है कि एंथर को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है यानी के निकाल दिया जाता है, और द्विलिंगी पुष्प के एंथर को यानी पराग कोष को तोड़कर हटा देने की विधि ही हमारी इमैस्कुलेशन यानी की विपुंसन कहलाती है, ठीक है। आइए, जो दूसरी विधि है जिसको हम लोग कहते हैं थैलीकरण यानी कि बैगिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि
जो हमारा स्टिग्मा होता है यानी कि जो वर्तिकाग्र होता है उसको एक थैलेनुमा संरचना से ढक दिया जाता है। और आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि वो थैला किससे बना होता है, तो वो बना होता है बच्चों बटर पेपर से। किससे बना होता है? वह जो थैला बना होता है वो बटर पेपर से बना होता है। आइए हम लोग बैगिंग की डिफिनेशन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसे स्त्रीकरण या बोरा वस्त्रकरण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में पुष्प के वर्तिकाग्र को थैले से ढक दिया जाता है। और यह थैला आपका किससे बना होता है? तो यह बना होता है आपके बटर पेपर से बना होता है। ठीक है, ये किससे बना होता है? ये आपका बना होता है बटर पेपर से बना होता है। ठीक है, और पुष्प के वर्तिकाग्र पर इच्छित पुष्प के परागकण का छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, और यह पूरी प्रक्रिया हमारी थैलीकरण यानी कि बैगिंग कहलाती है। आइए हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।